हेलो फ्रेंड्स, मेरा नेम राणा आमिर नज़ीर है और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। फ्रेंड्स, ये कुछ कोर्सेज़ मैंने मेंशन किए हैं जिनके कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाकर मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उन पर ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाए। तो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब पर आकर आना आमिर नज़ीर टाइप कर दें, मेरा यूट्यूब चैनल शो हो जाएगा और मेरी वीडियोज़ को यहाँ से सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कि अगर हम किसी भी सर्वर 2008 का बैकअप ले रहे हैं और हमें उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है बैकअप को, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार आज हम सीखेंगे। देन स्टार्ट पे आकर क्लिक करें, देन विंडोज सर्वर बैकअप पर आएँ। यहाँ पर आप बैकअप लें, बैकअप वंस में आकर डिफरेंट ऑप्शन हम स्केजुअल नहीं करना चाहते, देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। फुल सर्वर का बैकअप लेना चाहते हैं, कस्टम का भी हम कस्टम का लेना चाहते हैं, देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ऐड आइटम्स करेंगे आप कौन कौन से फोल्डर का बैकअप जो है लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर तीन या चार फोल्डर जो भी है लगा देते हैं, इनका हम जो है बैकअप लेना चाहते हैं। देन ओके पर क्लिक करें, देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप लोकल ड्राइव पर लेना चाहते हैं रिमोट ड्राइव। लोकल ड्राइव वो है कि जो आपका सर्वर है जिस पर आप बैकअप बैठ कर ले रहे हैं, और रिमोट ड्राइव ये है कि अगर आप लाहौर में और आपका इस्लामाबाद में कोई सर्वर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे बैकअप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप रिमोट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हम लोकली लेना चाह रहे हैं तो आप लोकली क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे किस ड्राइव में लेना चाह रहे हैं, हम ई ड्राइव में लेना चाह रहे हैं तो ई पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, देन बैकअप पर क्लिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखें हमारा जो है बैकअप स्टार्ट हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम लेता है ये बैकअप स्टार्ट होने में, तो फिर हमारा जो बैकअप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा बैकअप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है, ये क्रिएटिंग शैडो कॉपी ऑफ वॉल्यूम्स। तो अभी हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए जो है हमारा बैकअप जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब इसको हम यहाँ पर किसी भी GUI मेथड से इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें कमांड लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट में आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे WB Admin पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस ये देखिए आपके सामने खुल जाएगी। तो हम जो है इस टाइम ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है बैकअप का, तो हम इसको क्लोज बंद करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे WB Admin Stop Job, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके वेरिफिकेशन मांग रहा है कि आप कंफर्म है कि आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप वाई लिखकर प्रेस कर देंगे। तो स्टूडेंट, ये देखिए अभी आपका जो ऑपरेशन है इसको स्टॉप कर रहा है। ये देखेंगे आपका फेल लिखा आ गया है ऊपर, ये देखिए दी बैकअप ऑपरेशन एंडेड बिफोर कंप्लीटिंग। तो इसका मतलब है कि देखिए हमारा जो है इसने बैकअप को फेल कर दिया है, हमारा बैकअप स्टॉप हो गया है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।